सर, हमने कल डिस्कस किया था अबाउट द सत्यम स्कैम, दैट समथिंग हैड हैपेंड विद सत्यम स्कैम। हाउ मेनी ऑफ यू हैड हैव वॉच्ड द हर्षद मेहता मूवी, द वेब सीरीज? लाइक यू हैव अ प्रिटी वेल वर्स अबाउट द फ्रॉड दैट ही हैज डन। कितने लोगों ने देखा है? अमृता हैज सीन इट। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फैंटास्टिक मूवी, फैंटास्टिक डिपिक्शन ऑफ व्हाट ही डिड। 99% ऑफ द पब्लिक को पता भी नहीं चला फ्रॉड क्या था, इवन आफ्टर वॉचिंग द मूवी। आपको भी नहीं शायद आइडिया लगा होगा, ठीक है? सो आपको बताना चाहता हूँ व्हाट हर्षद मेहता वॉज डूइंग। हर्षद मेहता यूज टू इनकॉर्पोरेट सम कंपनीज। हर्षद मेहता कुछ कंपनीज बनाता था, एंड दिस कंपनीज, जैसे वहां पे कुछ मैगना करके कंपनी का नाम है, देखो। दिस कंपनी डिड नो सच बिजनेस एट सच। दे डोंट यूज टू डू एनी नो बिजनेस, लाइक दे हैड नो बिजनेस। हाँ, इनका एमओए था, दे हैड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वी आर गोइंग टू गो इनटू दैट आल्सो, व्हाट इज इट। दे गो दे हैड देयर एओए, राइट? एंड द ओनली शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनीज वेर लाइक फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेंड ऑफ हर्षद मेहता, सम रिलेटिव हर्षद मेहता, हर्षद मेहता हिमसेल्फ। दिस कंपनी हैड रजिस्टर्ड ऑफिस, से फॉर एग्जाम्पल 101 दादर मुंबई। ऑन द सेम एड्रेस मोर देन 1500 कंपनीज वेर रजिस्टर्ड। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक ही जगह पे 1500 कंपनीज का हेड ऑफिस? कैसे पॉसिबल? बट दैट वॉज द केस। टेल मी, डिड हर्षद मेहता वॉन्टेड दिस कंपनीज टू अर्न प्रॉफिट एंड मेक द शेयर होल्डर्स रिच? डिड हर्षद मेहता वॉन्टेड देम टू वर्क? एम्प्लॉय एम्प्लॉय रखेगा वो? नहीं, एग्जैक्टली तन्वी, नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सर, देन व्हाट वॉज द पर्पज? व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग सच कंपनीज? दिस आर कॉल्ड एज शेल कंपनीज और शैम कंपनीज। शैम यानी हिंदी में इट इज कॉल्ड एज बोगस, फेक। शेल यानी ऐसी कंपनीज विच आर प्रोटेक्टिंग समबडी एल्स। तो ये हर्षद मेहता को काम करने के लिए बनाई गई कंपनी जिसको कहा जाता है सर शेल कंपनीज। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सच शेल और शैम कंपनीज, अब तक मैंने आपको बोला दैट द लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स और द मोर गुड वर्ड वुड बी मेंबर्स, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। बट टेल मी, इस केस में इफ टुमारो इट इज फाउंड दैट दिस कंपनी इज डूइंग फ्रॉड, कैन वी पुट हर्षद मेहता इन जेल एंड आस्क हिम टू पे द मनी? कैन इट बी डन? टेल मी, इफ वी फाउंड आउट दैट दिस कंपनीज आर फेक कंपनीज, देन कैन वी पुट हर्षद मेहता इन जेल? अंजलि सेज नो। व्हाई अंजलि? यू आर लीगली करेक्ट, दैट वॉज द प्रीवियस पोजिशन, यही पहले होता था, हम नहीं पकड़ सकते थे। क्यों? हम बोलते थे अरे कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड दैट्स वाई द कोर्ट हैड टू इंटरवीन। कोर्ट ने इसमें एंट्री ली और कुछ चीज बताई, कहा कॉर्पोरेट विल लिफ्टिंग, ये चीज कोर्ट ने बनाई। सर, इसमें क्या होता है? विल यानी जो तुमको हम ये प्रोटेक्शन देते हैं ना कि तू एक अलग एंटिटी है, द प्रोटेक्शन दैट वी आर गोइंग गिविंग यू दैट यू आर अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड लाइक फ्रॉम द ओनर्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी वगैरह। वी विल लिफ्ट इट ऑफ, हम ये हटा देंगे, इस कवच को हम तोड़ देंगे। वी विल जस्ट रिमूव दिस प्रोटेक्शन दैट इज गिवन टू यू बाय लॉ एंड वी विल फाइंड आउट हु इज द रियल ओनर। हर्षद मेहता इज द रियल ओनर। एवरीबडी गॉट द कॉन्सेप्ट? एवरीबडी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ओके, तन्वी, अमृता, अश्मित, ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। सो गाइज, वेन एवर देर इज अ कंपनी, इट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट इफ
इफ द कोर्ट फील्स ना कि देर आर दिस एक्स वाई जेड सर्कमस्टेंसेस, जैसे मैंने बोला शेल कंपनी, शैम कंपनी, कुछ भी और तुमको मिल जाए, तो यू द कोर्ट्स कैन मेक द कंपनीज, हम क्या बोल सकते हैं उसे, कपड़े, मतलब द कोर्ट्स कैन रिमूव द क्लॉथ्स, द कोर्ट्स कैन रिमूव द प्रोटेक्शन, एंड द कोर्ट्स कैन फाइंड, गो एंड फाइंड आउट हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस कंपनी. सो दिस इज कॉल्ड एज, सो दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट विल. अगर मैं विल को हिंदी में बताऊं तो पर्दा, पर्दा होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट विल. और लिफ्टिंग यानी उस पर्दे को हटाना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. एवरीबडी विथ मी टिल हियर? तो लेट्स रीड इट फ्रॉम आवर नोट्स नाउ सर. कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर द कंपनी इज आइडेंटिफाइड एज सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ये तो मैंने आपको भी बताया. मैं इतना बोल सकता हूँ दैट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो होते हैं ना, इनको कंपनीज की लाइबिलिटी से मुक्त किया जाता है. दे आर शील्डेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. तो कंपनी, इफ कंपनी टेक्स एनी लोन्स, कंपनी किसी कानून को फॉलो नहीं करती है, कंपनी गोज इन टू टेररिस्ट एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट विल बी देयर टू हेल्प द मेंबर्स. मेंबर्स को नहीं पकड़ेंगे हमसे. दैट इज शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. अब हुआ क्या, एक कंपनी सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड. सलमान भाई, सलमान भाई, तो सलमान वाज इंडिविजुअल, एक आदमी था, जैसे हमारे क्लास में भी अश्मित है, हमारे क्लास में देर इज मानसी, अमृता, एवरीबडी इज देयर. सो ऐसे एक इंडिविजुअल था, एंड मानसी ने मानसी एंड कंपनी लिमिटेड बनाया, अश्मित ने अश्मित एंड कंपनी बनाया, वैसे सलमान ने सलमान एंड कंपनी लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हो आप, आपकी मर्जी है, चाहे उतनी कंपनीज बनाओ, दिन रात कंपनीज बनाओ, 100 कंपनीज बनाओ, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं. अब हुआ क्या, एक ये कंपनी में ना द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनीज वेयर दैट सलमान भाई हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज 4 सन्स एंड 1 डॉटर. पांच पांच बच्चे थे उसको, पांच, समझ समझ रहे हो पांच क्या होता है, समझ रहे हो, नाम से थोड़ा आइडिया आ जाता है, फाइव स्टूडेंट, फाइव चिल्ड्रन जस्टिफाइड. तो सलमान हैड, इन रियलिटी तो सलमान भाई की शादी भी नहीं हुई यार. तो भाई ऑफेंड हो गए, भाई ऑफेंड हो गए. तो वेरी सॉरी, आई गेस आई गॉट, आई लॉस्ट माई इंटरनेट कनेक्शन. एवरीबडी हियर? कोई चला तो नहीं गया? नाउ हम यहाँ तक थे, दैट वी वेर दैट, यहाँ तक थे हम, यहाँ तक सबने सुना दैट सलमान ब्रॉट हिज पर्सनल लैंड इनटू द बिजनेस, यहाँ तक सबने सुना था. नहीं सुना था? ओके 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 ओके.
ओके सो यहां तक सुना था दैट द कंपनी टू कोर द पर्सनल बिजनेस असेट्स ऑफ सलमान भाई, बस उसको 5 5 बेटों तक सुना था. ओके नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड व्हेन ही स्टार्टेड द कंपनी, जब इसने कंपनी शुरू करी, ही ब्रॉट हिज पर्सनल असेट्स इनटू द बिजनेस. एंट्री करते थे ना 11th 12th में सर, लैंड लाई बिजनेस में, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री की थी, ये याद है सबको, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. सो बेसिकली ही हैज ब्रॉट सम कैपिटल इनटू द बिजनेस एंड इट इज हिज पर्सनल असेट्स, हिज पर्सनल असेट्स आर ब्रॉट इनटू द बिजनेस. एंड व्हाट हैपेंड, रादर देन इंट्रोड्यूसिंग कैश ही ब्रॉट असेट्स फॉर दिस मच, 38,782 pounds, एंड इन टर्न सलमान टुक 20,000 shares ऑफ 1 pound each. तो 38,000 के असेट्स लाए बट जस्ट टुक 20,000 shares 1 rupee each. तो बेसिकली 20,000 rupees के शेयर्स खुद लिया. टुक डिबेंचर्स वर्थ ₹10,000 ऑफ द कंपनी. एक बार मैं बता देना चाहता हूं व्हाट डू आई मीन बाय डिबेंचर. अच्छा हैड वी डिस्कस दिस बिफोर, डिबेंचर्स बॉन्ड शेयर्स, हैव आई टोल्ड यू दिस, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? आई गेस आई हैव टोल्ड यू दिस इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. प्लीज ओके थैंक यू काव्या फॉर लेटिंग मी नो एंड वेरी ऑनेस्टली टेलिंग मी दैट वी हैव डिस्कस्ड इट. नहीं तो बच्चे वाले याद नहीं है विचार, नहीं 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 सर नहीं पढ़ाया था, पता था, वापस बताओ. सो उसने 20,000, ही टुक 20,000 शेयर्स वर्थ ₹20,000 एंड डिबेंचर्स वर्थ ₹10,000. सो 30,000 के उसने शेयर्स खुद को, 30,000 के रिटर्न्स उसने खुद को रखे ऑफ द कंपनी विथ चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स. चार्ज ऑन कंपनीज असेट्स मीन्स ये जो डिबेंचर्स थे ना, दिस डिबेंचर्स हैड द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज असेट्स. मतलब कल इफ द कंपनी, इफ टुमारो कंपनी डज नॉट पे द डिबेंचर्स मनी, द असेट्स ऑफ द कंपनी विल बी सेल्ड सोल्ड एंड डिबेंचर्स विल बी पेड. डिबेंचर इज एज गुड एज अ लोन. इट इज लाइक कि यू हैव अ हाउस, यू आर टेकिंग अ लोन ऑन द हाउस, यू आर नॉट टेकिंग लोन फॉर बाइंग द हाउस गाइज, यू हैव ऑलरेडी हैव अ हाउस, यू आर टेकिंग लोन ओवर दैट हाउस, दैट इज मॉर्गेज. एंड द बैलेंस अमाउंट दैट इज 8782 rupees ही टुक इन कैश. तो उसने पूरा पैसा लिया, पॉकेट में कुछ दिया नहीं. ओके हिज वाइफ डॉटर फोर सन्स टुक अप 1 pound ईच शेयर ईच. तो टोटल 6 shares गए रहेंगे 6 rupees के, 1 to the wife, 4 to the sons एंड 1 to the daughter. नाउ द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो गई. एंड व्हाट हैपेंड, द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब इफ दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ सलमान कंपनी, देयर इज अ शेयर कैपिटल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिबेंचर्स ऑफ 10,000. दिस डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड सर. सिक्योर्ड मीन्स दे हैव अ चार्ज. यहाँ पे जो असेट्स है ना सर, दिस डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. सो इफ टुमारो द कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डिबेंचर्स, द असेट्स विल बी सोल्ड. ओके सो दिस इज कॉल्ड अ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दोज हु हैव अ सिक्योरिटी, दोज हु हैव अ सिक्योरिटी. देवश्री हैव अ जॉइंट, ओके लेट इट, दोज हु हैव अ सिक्योरिटी. नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंस, मान लीजिए इन्होंने कुछ परचेसेस करे थे, तो द एंट्री वुड हैव परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. नाउ टेल मी हियर, क्रेडिटर्स विल बी देयर से फॉर ₹7,000. डू दिस क्रेडिटर ऑल्सो हैव अ सिक्योरिटी ओवर द असेट्स, कि अगर इफ इफ यू आर नॉट एबल टू पे द क्रेडिटर्स देन सेल द असेट्स, इज इट समथिंग लाइक दिस? नो, दिस आर कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. There is no security to them. It is unsecured creditors. So what is happening? The company is now getting wound up. Company liquidation mein ja rahi. Company is getting stopped, shut down by the law. And the unsecured creditors kya bol rahe hai, pata hai? The unsecured creditors are telling that Salman cannot be a secured creditor of the company because he was the MD of the company. And they were telling that since the company and Salman are not different, why? Because he is only the MD, he is only the owner of the debentures, owner of the shares, and the cloak that is basically jo humne kapda dhaka hai na company ko, it is basically sham and fraud. Now see,
आपको क्या लगता है, आर द सन सिक्योर क्रेडिटर्स राइट इन टेलिंग दिस दैट सलमान इज द रियल ओनर एंड ही कैन नॉट बी सिक्योर क्रेडिटर? टेल मी, कि सलमान ने यहाँ पे कुछ फ्रॉड किया या डिड ही फॉर्म दिस कंपनी ओनली फॉर डूइंग सम स्कैम, क्या ऐसा कुछ था? व्हाट यू गाइस आर आंसरिंग, लेट्स सी. अंजलि सिंह, नो नो नो, यस एग्जैक्टली, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. दिस कंपनी वॉज फॉर्म बाय सलमान फॉर डूइंग बिजनेस ओनली. एंड क्या हुआ इफ ही गिव हिज असेट्स? उसने असेट्स के बदले कुछ लिया भी था, तो दिस वॉज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन. एंड सिंस उसने जो डिबेंचर्स लिए थे दे वेर सिक्योर्ड, दे वेर सिक्योर्ड ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, द फर्स्ट पेमेंट विल बी मेड टू देम क्योंकि दे आर सिक्योर क्रेडिटर्स. सर, हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमसे कोई सिक्योरिटी लेती है, सो दैट टुमारो इफ वी गो अवे द बैंक विल बी पेड फर्स्ट. सो द कोर्ट हेल्ड दैट आप कुछ भी बोल रहे हो अनसिक्योर क्रेडिटर्स, ऐसा नहीं. इट इज नॉट द केस दैट सलमान एंड द कंपनी आर वन. नो, दिस इज नॉट अ शैम कंपनी, दिस इज अ गुड कंपनी, ओके कंपनी. हाँ, बिजनेस है, बंद पड़ सकता है, नेचुरल है, तो बंद पड़ गया. तो सलमान इज अ सिक्योर क्रेडिटर एंड ही हैज टू बी पेड फर्स्ट. इवन वेन ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वी कैन नॉट से दैट ही हैज डन फ्रॉड, क्योंकि उसने फ्रॉड किया ही नहीं. द कंपनी क्लोज डाउन ड्यू टू बिजनेस थिंग्स, मार्केट में बदलाव आ गया. देखो यहाँ पे लिखा है जनरल ट्रेड डिप्रेशन, मार्केट वॉज गोइंग डाउन, सो इट वॉज हेल्ड बाय लॉर्ड मैक नॉटन. बाप रे, क्या नाम है, छोड़ो. इट वॉज हेल्ड बाय द अंग्रेजी आदमी दैट द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन, राइट? You don't need to write all these things. And the subscribers and members not liable, and they are liable only to the extent of unpaid value of shares, and that is why the company has its own existence, and the shareholder cannot be held liable for the acts of the company, even though he holds the entire share capital. हमें फर्क नहीं पड़ता अगर 99% भी मुकेश अंबानी के पास रहेगा, okay? Until and unless you can prove that it is being done as a fraud. So this is a separate corporate entity. Well, Salmon versus Salmon and Company Limited. Paper में आ जाए तो सिर्फ लिखना है Salmon invested some money in the company and he was the literally the entire owner of that company. He also took debentures which had a charge on its assets. Company went into liquidation. Unsecured creditors told that the company and Salman are one person. The court held that no, they have a different identity. तो सवाल आता है सर, when can we lift this corporate veil? ये ढके हुए कपड़े को हम कब निकाल सकते हैं? So that is basically looking behind the company. Company के पीछे कौन है सर? You are disregarding. You are completely saying that the company के corporate entity कुछ भी नहीं है and the owners are somebody else. Okay, so courts ignore the company and they directly try to find who are the members, who are the managers. They are only trying to find out who are the real owners. They are not trying to find out ke employee kaun hai vagaira. They are only trying to find a question of ownership. Who is the real owner? Paper mein this question has been coming again and again and again and again. This is a very IMP part. That is when are the cases that courts can go beyond and find the whether the, like lift the corporate veil. The first is to determine the character of the company. Character, अरे जैसे if there is a shell company, जैसे मान लीजिए just just in case India and Pak has a war. Now in Bombay there is a company called as example Jai Steel Limited. Now what is happening? The owners, the shareholders of these companies are belonging to Pakistan. They are all Pakistani. And what they do, वो यहाँ पे पैसा डाल के, they sell to Indians, earn money, and all the money is transferred to Pakistan, and the money is used for terrorist funding. So here we can say that the company is an enemy company. Why, sir? Because the owners are foreigners, and not only foreigners, sir. They are foreigners of an enemy state, that is enemy company. So यहाँ इसके अंदर आपको लिखना है, if the public interest is compromised, court will crack the corporate shell. Court will lift the, if the public interest is compromised, court will lift the corporate veil. The heading should be determine the character of the company. अंदर आपको लिखना है, the company may be an enemy company.
the owners, the controlling people may be of the enemy country, and that's why it is necessary for the court to do so. Second, to protect revenue, to protect tax. मैं क्या करता हूं, मैं अलग अलग कंपनीज बनाता हूं. सी, मेरी खुद की कंपनी है ए लिमिटेड, मैं 1000 करोड़ का सेल करता हूं एवरी ईयर, सो मुझे टैक्स बहुत आता है. व्हाट आई डू, आई फॉर्म से 8, 9, 10 कंपनीज, बी लिमिटेड, सी, डी, ई, एंड आई डिस्ट्रीब्यूट दिस रेवेन्यू. मतलब मैं क्या करता हूँ, जब कस्टमर आते हैं ना खरीदने को, व्हेन कस्टमर कम्स टू बाय माय प्रोडक्ट, आई गिव देम डिफरेंट क्यू आर कोड्स, यूपीआईडीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज. सो व्हाट हैपेंस, दैट नेट इफेक्ट बिकम्स दैट माय टैक्स लायबिलिटी गेट्स रिड्यूस. इफ आई सिंगल हैंडेडली अर्न 1000 करोड़, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पीछे ध्यान रखेगा. बट इफ डिफरेंट कंपनीज अर्न स्मॉल 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 अमाउंट, कंपनी इनकम टैक्स विल नॉट बी एबल टू गेस की वेदर द कंपनी इज बिग और नॉट. सो इफ आई एम ट्राइंग टू इवेट द टैक्सेस, इवेट द रेवेन्यू. अच्छा, अलग अलग कंपनीज बनाने से टैक्स कैसे बचेगा, ये चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज आपको इनकम टैक्स नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इनकम टैक्स. सो व्हेन यू गो इन इंटर, इंटर में जाने के बाद व्हेन यू विल लर्न अबाउट इनकम टैक्स, इंटर में भी कॉर्पोरेशन टैक्स है नहीं अपने को, इंटर में भी यू विल हैव ओनली टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. सो इन बेसिकली सीए फाइनल, व्हेन यू विल गो इन सीए फाइनल, यू विल फाइंड आउट, जो आज मैं चीज बोल रहा हूँ, 90% ऑफ यू विल फॉरगेट व्हाट आई टोल्ड यू टुडे, बाय लाइक बाय एंड ऑफ द डे फॉरगेट कर जाएंगे, भूल जाएंगे. 10% विल रिमेंबर इट ओनली टिल इंटर. एक हाथ दूसरा बच्चा रहेगा हु विल रिमेंबर माई थिंग्स इन सीए फाइनल्स. सो बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ऐसा करने से टैक्स रिड्यूस होता है. देर इज समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड ऑल दोस थिंग्स दैट टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई टैक्स गेट्स रिड्यूस्ड. सो मुझे बताओ, डिड आई हैड एनी पर्पज फॉर फॉर्मिंग दिस कंपनी अदर देन इवेडिंग द टैक्सेस, अदर देन व्हाट आई से, टैक्स की चोरी करने के अलावा यहाँ पे मेरा और कोई पर्पज था ये कंपनीज बनाने का? एग्जैक्टली अंजलि, देर वॉज नो अदर पर्पज, एंड दैट्स व्हाई टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू. रेवेन्यू इज गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट गेट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम टैक्सेस. So if the government wants to protect this revenue, protect its taxes, the what we say, the courts can lift the corporate bill. We don't need to write all this. You just need to write under ka content kaise likhe, so you simply need to write that when corporate entities used to evade taxes, court can lift the corporate bill. That's it. No need to write this case laws. You don't need to write this case laws. Now, there is something written here. ये एक चीज है, मैं बताता हूं आपको. यहां पे लिखा है दैट, किधर गया, ओके. सो व्हाट हैपेंड, द असेसी, असेसी मतलब द इंडिविजुअल जिसका इनकम, जो जिसको अपन टैक्स के अंदर, जिसको हम डायरेक्ट कर, जब मान लीजिए इफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ अश्मित, देन अश्मित इज कॉल्ड एज असेसी. ओके, असेसी कहा जाता है. यू विल लर्न दिस इन वेरी डिटेल इन सीए इंटर, व्हेन यू विल गो इन सीए इंटर एंड लर्न द इनकम टैक्स एक्ट. तो ये आपको आपके डेली वर्ड यूज होने वाले हैं. आप जब इंटर में जाओगे, योर लैंग्वेज इज गोइंग टू चेंज सो मच, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक, आपके लिए पर्सन मतलब इंडिविजुअल नहीं रहेगा. जैसे आज आप बोलते हो ना दैट पर्सन इज वेरी बैड, यू विल बी लाइक दैट इंडिविजुअल इज वेरी बैड. आपकी लैंग्वेज होने वाला है, अभी भी पढ़ा होगा बहुत ज्यादा लॉ पढ़ने के बाद. तो यहाँ पे आई कैन सी इट्स अ केस इन दिनशा मैनिक जी पेटिट, इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट जेन्युइन कंपनी बट मेयरली द असेसी हिमसेल्फ डिस्गाइज्ड अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी. द असेसी हिमसेल्फ डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज मतलब छुपाना, देखते क्या होता है. द असेसी अर्न ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, उसको बहुत सारा डिविडेंड मिला एंड बहुत सारा इंटरेस्ट मिला. सो व्हाट ही डिड, ही ओपन्ड सम कंपनीज and purchased their shares in exchange of his income by way of dividend and interest. This income was transferred back to the SEC by way of loan. देखो क्या हो रहा है, just here. Example, this is Ashmit. There is a company who is paying huge dividend, who wants to pay huge dividend and huge interest to Ashmit. Now what will happen? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. ओके, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अश्मित हैज टू पे टैक्स. अश्मित, यार मैं क्यों टैक्स भरू? व्हाट अश्मित डज, अश्मित फॉर्म्स थ्री कंपनीज, ए,
B and C limited. And what is happening? See, rather than giving this dividend and interest to Ashmit, this company is using this money, say for example, 1,000 rupees, 1,000 rupees use कर रहा है to buy the shares of this company. से 500 की इसके शेयर्स ले लिए, 200 की इसके ले लिए, and 300 rupees worth shares of this company. So what I did, I simply did a transaction. I purchased the shares. The entry would have been like investment in shares of A to bank account. That's it. And this company is doing it, okay? And now Ashmit is applying for a loan in this companies. भाई मुझे लोन दे दो. And these companies are giving loan to Ashmit. How much you know? Of rupees 1,000. Tell me, is loan your father's income? When your father takes loan from your bank, is it his income? No. Loan is a liability, sir. There is no tax on loan. See, कितना टैक्टफुली, कितना होशियारी से उसने 1,000 रुपए भी लिए. He took 1,000 rupees, but without taxing. Everybody got the case scenario that I am trying to discuss here, everybody. अमृता, अंजलि, अश्मित, काव्या, मानसी, मनदीप, शिवा, तन्वी, यश, एवरीबडी. सो दिस हैज व्हाट हैपेंड इन दिस केस. सी, यू डोंट हैव टू राइट द केस स्टडी इंटायरली. आपको क्या होगा पता है, इन पेपर यू विल गेट क्वेश्चंस व्हिच विल बी लाइक दिस केस स्टडी. Now you just have to analyze it by giving your reasons. So the court said that this private company, जो नई companies बनाए ना, they were a sham and the corporate will has to be lifted and the real owner of the income should have been decided and the real owner was the assessee or this Din Shaw manager himself. Everybody with me till here. I hope there is complete clarity to you. Let's move. I guess we are having. Okay. Now, to avoid a legal application, this is the third reason when you can lift the what we say. क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट. मुझे ना वर्कर्स लोगों को पैसा देने में बहुत दिक्कत होती है. आई हेट गिविंग बोनसेस टू माय वर्कर्स. सो ऑलवेज रिमेम्बर, बोनस ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, इफ दिस इज अ कंपनी, इफ इट्स पीएनएल, सेल्स इज से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, एक्सपेंस इज से फॉर एग्जांपल 2,000 रुपीज. So my net profit is 8,000, right? Bonus is always decided on the basis of the net profit. Bonus is decided on the basis of net profit. Now what I do? मुझे ना बोनस नहीं देना है बच्चों को. मुझे एम्प्लॉइज को, आई हेट गिविंग बोनसेस टू माय एम्प्लॉइज. मुझे लीगल लाइबिलिटी से इवेड करना है. गवर्नमेंट इज सेइंग यू हैव टू गिव एटलीस्ट 10% ऑफ योर नेट प्रॉफिट एज बोनस एंड इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज अ लीगल लाइबिलिटी ऑन मी. एंड आई हेट डूइंग इट. मुझे नहीं करना है. वॉट आई विल डू, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ए लिमिटेड, वॉट आई विल डू, से दिस इज अश्मित लिमिटेड कंपनी, वॉट अश्मित विल डू, ही विल फॉर्म अ न्यू कंपनी से सी लिमिटेड एंड हियर ही विल शो एन एक्सपेंस टू प्रोफेशनल फीस टू सी से 6,000 एंड इन सी लिमिटेड इट विल कम एज सेल्स ऑफ 6,000. ओके, नाउ इन सी लिमिटेड एम्प्लॉयज तो एक भी नहीं है. देर आर नो एम्प्लॉयज, जीरो एम्प्लॉयज, सो दे डोंट हैव एनी एक्सपेंस. सो डायरेक्टली द नेट प्रॉफिट विल बी 6,000 हियर एंड यहाँ पे द नेट प्रॉफिट विल देन बी रिड्यूस टू रुपीज ओनली हाउ मच, 2,000. सो देखो, मैंने मेरा क्या, बोनस मेरा कम हो गया, माई लीगल ऑब्लिगेशन गेट्स रिड्यूस्ड. कोर्ट सेज यार यू फॉर्म दिस सी लिमिटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इवेडिंग ट्राइंग टू
गेट अवे, आप भागना चाहते हो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन से, दैट्स व्हाई यू फॉर्म दिस सीडीबीटी. वी हेट इट, वी डोंट वांट इट एट ऑल, एंड दैट्स व्हाई इस कंपनी का, वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल ऑफ दिस कंपनी. वी फाउंड आउट हु इज द रियल ओनर, द रियल ओनर इज ए लिमिटेड. समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? एवरीबडी गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से? ओके, सी डिफाइंड ऑफ ऑप्शन ऑफ कंपनी जो सी लिमिटेड थी, अश्मित लिमिटेड नहीं है, सी लिमिटेड, वॉज टू रिड्यूस एनी लीगल ऑब्लिगेशन, से रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय वे ऑफ बोनस टू वर्कमैन. सुप्रीम कोर्ट टोल्ड दैट द विल ऑफ द कंपनी शुड बी लिमिटेड, डोंट नीड, डोंट गो इन टू द केस, केस नेम एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस? अगेन, ए लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ रुपीज 4,50,000. द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स वाज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी ईयर आफ्टर ईयर. इट वाज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द बोनस पेबल टू वर्क. बताता हूं मैं एक बार, जस्ट लेट मी रीड इट वंस. ओके, मैं वही आपको बताया अभी. समटाइम इन 1968 कंपनी ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड एज सब्सिडियरी होली ओन्ड बाय. द डिविडेंड इनकम डिड नॉट फाइंड प्लेस इन द पीएनएल एंड बग 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 बग. तो लेट्स सी व्हाट व्हाट इट मींस टू से. बहुत आसान है. अभी यहाँ पे उल्टा ट्रांजैक्शन हो रहा है. एक अश्मित की कंपनी ए लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड. अश्मित के पास बी लिमिटेड के शेयर है. अश्मित के पास बी लिमिटेड के शेयर है. व्हाट इज हैपनिंग इन द अश्मित पीएनएल इन द सेल्स? उसकी सेल्स आते मान लीजिए 10,000 के, एंड ही इज गेटिंग सम डिविडेंड इनकम ऑफ बी से ₹10,000. तो टोटल इनकम इसकी 20,000 आ जाती है, एंड दैट्स व्हाई बोनस अच्छा खासा पे हो जाता है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? ए लिमिटेड अश्मित फील्स, यार इन लोगों, गरीबों को क्यों मैं दू पैसा? व्हाई आई शुड पे बोनस टू देम? एक काम करता हूँ, आई एम होल्डिंग द शेयर, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम बी. ए क्या करता है? व्हाट ए डज, ए लिमिटेड डज, ए लिमिटेड सेल्स दिस शेयर्स टू सी लिमिटेड. नाउ दिस इनकम विल गो अवे फ्रॉम ई लिमिटेड, क्योंकि डिविडेंड अब सी लिमिटेड को मिलेगा, एंड सी लिमिटेड की इसमें आ जाएगा डिविडेंड इनकम फ्रॉम बी 10,000. तो यहाँ पे देखो, द इनकम गेट्स रिड्यूस टू 10,000, तो बोनस रिड्यूस हो जाएगा. तो गवर्नमेंट से ऐसा नहीं करोगे आप, ऐसा नहीं करोगे. ए बोलता है, सर बट मैंने सी तो बिजनेस के लिए फॉर्म किया. हाँ, इफ इट इज फॉर सी, इफ सी इज फॉर बिजनेस पर्पस, सी इज टू गेट, आपको कोई इशू नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट सोल पर्पस. सिर्फ एक ही कारण है सी लिमिटेड बनाने का. द ओनली रीजन फॉर मेकिंग सी लिमिटेड इज टू रिड्यूस योर इनकम सो दैट योर लीगल ऑब्लिगेशन गेट्स रिड्यूस. सबको समझा मैंने क्या किया? डिविडेंड उसी को पे होता है जिसके नाम पे शेयर है. बी लिमिटेड विल पे द डिविडेंड पहले ए को. नाउ ए ट्रांसफर इट टू सी, तो नाउ डिविडेंड विल बी पेड टू सी. सो एवरीबडी, 100% क्लैरिटी? थैंक यू अंजलि. सो I wanted to convey that this was is what the case is. Okay, the company created a subsidiary, transferred to it its investment, that is the shares of C Limited, B Limited, in a bid to reduce its liability to pay bonus to its workers. So, yeah, Supreme Court lifted the corporate bill. That's it. Supreme Court lifted the corporate bill. Now, what happens here? मैं को illegal काम नहीं कर रहा. I'm not doing something illegal. से बोट लिमिटेड, बोट इज अ कंपनी. नाउ इट अपॉइंट से जोमैटो एज इट्स एजेंट, जोमैटो लिमिटेड एज इट्स एजेंट. सर एजेंट मीन्स इट हैज टोल्ड जोमैटो दैट यू सेल माई हेडफोन्स एंड आई विल गिव यू कमीशन. सो इन दैट केस, इफ जोमैटो डज समथिंग, द कोर्ट विल नॉट कंसिडर इट एज जोमैटोज एक्ट, वी विल कंसिडर इट एज बोट्स एक्ट. क्यों सर? बिकॉज देर इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. सो द रियल ओनर इज द प्रिंसिपल. मैं कुछ इलीगल नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम हैविंग अ कंपनी विच इज माई एजेंट और माई ट्रस्टी, एंड इन दैट केस वी विल से दैट जोमैटो लिमिटेड इज नॉट द रियल कंपनी, बट द बोट लिमिटेड इज द रियल कंपनी ऑफ डूइंग वॉट एवर इट इज बिंग डन. सो अंदर का भी आपको उतना ही लिखना है, कंपनी समटाइम्स भी रिगार्ड एजेंट वगैरह इतना नहीं लिखना है. यू जस्ट नीड टू राइट दैट इफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड एज एजेंट, द रियल ओनर ऑफ द कंपनी इज अ प्रिंसिपल. Now let's go into the case law. In the case of Merchandise Transport Limited versus British Transport Corporation, transport company wanted to obtain license for its vehicles. तो मान लेते हैं एक transport company थी जिसको vehicles के लिए transport का license चाहिए था RTO से. okay?
बट इट कुड नॉट ऑब्टेन। सर वाई, हो सकता है उसके ऊपर कोई केस चल रहा हो, सकता है उसके ऊपर उन्होंने, माइट बी अ केस दैट दे वुड हैव डन सम एक्सीडेंट इन प्रायर इयर्स, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग देम अ लाइसेंस। तो व्हाट दे डू, सी लिमिटेड को ऐसे चाहिए, उसको मिल नहीं रहा है। व्हाट सी लिमिटेड डज, इट फॉर्म्स अनदर कंपनी से ए लिमिटेड एज इट्स एजेंट, ओके। एंड नाउ ए लिमिटेड ट्राइज टू गेट द लाइसेंस, एंड ए लिमिटेड को लाइसेंस मिल जाता है। टेल मी, द रियल ओनर विल बी द प्रिंसिपल, ओके। सो दैट्स व्हाई द कोर्ट विल रिजेक्ट ए, द आरटीओ विल रिजेक्ट ए लिमिटेड का एप्लीकेशन आल्सो। व्हाई? अरे बिकॉज योर रियल ओनर इज सी लिमिटेड, एंड सी लिमिटेड इज एनीवेज बार्ड फ्रॉम गेटिंग द लाइसेंस। सो इट हैज फॉर्म्ड अ सब्सिडियरी एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वाज मेड इन द नेम ऑफ द सब्सिडियरी। अभी क्या होगा, वंस ए लिमिटेड गेट्स द लाइसेंस, वी विल ट्रांसफर ऑल व्हीकल्स टू ए लिमिटेड, सो दैट ए लिमिटेड विल रन द बिजनेस। अल्टीमेटली द इनकम विल कम टू सी लिमिटेड, बिकॉज सी लिमिटेड, ए लिमिटेड आर होल्डिंग सब्सिडियरी। एवरीबडी नोज व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। आई गेस आई हैव डिस्कस्ड विद यू दिस होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। So the parent and subsidiary are one commercial unit, and thus the license was rejected. Everybody knows what is holding subsidiary. I guess we have discussed it. Yes. So ज़्यादा कुछ नहीं है. If A Limited is a company and it holds 51% or more share capital in C Limited, तो C Limited पूरा control करता है. तो A Limited is the holding company, C Limited is the subsidiary company, or A Limited is the parent company. That's it. और कोई कंपनी है विच इज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, फॉर्म्ड फॉर इम्प्रॉपर कंडक्ट, या फिर लॉ को डिफीट करने के लिए बनाए गए, जैसे हर्षद मेहता फॉर्म द मैग्ना लिमिटेड कंपनी। द कंपनी वॉज फॉर्म्ड जस्ट एंड जस्ट ओनली इन वन वन पर्पज, टू डू फ्रॉड। तो सी वेयर द इनकॉर्पोरेशन इज यूज फॉर सम इलीगल इम्प्रॉपर यूज टू डिफीट द लॉ इन दैट केस, और टू डिफ्रॉड, टू डू फ्रॉड विद द क्रेडिटर्स टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट बिल। सी, ट्रेडिंग विद द एनिमी, कॉर्पोरेट एंटिटी यूज्ड टू इवेड टैक्स, कंपनीज फॉर्म्ड एज एजेंट, अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, यूज्ड फॉर इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। एवरीबडी हैज 100% क्लैरिटी टिल हियर प्लीज, और यू गाइस आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। ओके, सो फॉर टुडे वी आर स्टॉपिंग द कॉर्पोरेट विल हियर ओनली, द लेक्चर हियर ओनली। इन एन आवर 100% in an hour, the unit 4 notes will be there available. So please, I want you to revise the notes thrice. And once you revise, just put a message on Telegram that you have revised the notes so that I can start with the Indian contact activities. Okay. Thank you so much, everybody. Thank you so much for being here.